2024 में किसकी सरकार? मोदी की आएगी। अब तो पेमेंट भी दुआ रहा टाइम पे और 20 रुपए हम बढ़ा के भी दे दिए। कोई नहीं बूझ रहा राहुल बाहुल को जी। यार आज किसान के पास में सबके एसी लगी और सबके पास में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कहां से आ रही हैं वे? मोदी को क्यों? मोदी को मोदी सही काम कर रहा, काम कर रहा सही। बढ़िया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। और मुजफ्फरनगर हम अगर आए हों और गन्ना मिल में नहीं आए तो कैसे काम चलेगा भाई? देखिए, हम गन्ना मिल में मौजूद हैं और अभी अभी गन्ना किसानों को बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने गन्ना के दामों को 20 से 30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं प्रति क्विंटल से। अब किसान आंदोलन एक तरफ तेज़ हो रहा है, एक तरफ किसानों को लेकर बड़े फैसले सरकार कर रही है। किसान जो है कह रहे हैं कि हमें जो है भैया आप फायदा नहीं पहुंचा रहे सरकार का, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। किसान सड़कों पर उतरे, आपने देखा कैसे, हमने देखा बॉर्डर्स को सील किया गया, उत्तर प्रदेश में रोका गया। लेकिन इसी बीच योगी कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने गन्ना के दाम जो है वो बढ़ाए तो इससे किसानों को राहत मिली है। आज हम गन्ना मिल में मौजूद है और चलिए यहीं के लोगों से, किसानों से जान लेते हैं कि कितना फायदा हुआ है। बने रहिए आप तो। गन्ना मिल में आए हो, ये देखिए मैं ट्रैक्टर पर सवार हो चुकी हूँ। आप किसान हैं, बताइए 24 में किसकी सरकार? मोदी की आएगी। अभी जो गन्ना के मूल्य कम किए गए हैं उस पर बताइए कि सरकार के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी कहा जा रहा है किसान नाराज है भैया। नहीं, अब तो पेमेंट भी दुआ रहा टाइम पे और 20 रुपए हम बढ़ा के भी दे दिए, ये भी काफी है। सारा थोड़ा चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए। अभी जो कहा जा रहा है कि आप जो नलकूप जो उपलब्ध कराए गए हैं, बिजली माफ करी गई है। माफ कर दी, बहुत अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि जानबूझकर ताकि किसानों का वोट नहीं जाए विपक्षी पार्टियों को। ये तो सब कहने की बात है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। राहुल गांधी को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी न्याय यात्रा सब जगह निकाल रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला उससे। अखिलेश यादव कुछ नहीं होना उससे भी। वो उत्तर प्रदेश में काम कैसे चल रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जैसा तो नेता ही मिलना भारी, इतना अच्छा। लेकिन सर तो कौन किसान वहाँ बैठे हैं बॉर्डर? वे तो सब वैसे ही हैं। कौन है जो वैसे ही हैं? किसान जो है वो कुछ काम नहीं। जो किसान है वो तो खेत में है या यहाँ है? हाँ। किसान तो खेत में है या यहाँ है? किसान के पास थोड़ा इतना टाइम है। किसान गरीब होते जा रहे हैं, गरीब हो गए, बेरोजगार भाई। ना करने की समस्या तो गरीब बनेंगे नहीं, काम नहीं करने के लिए। जो करेगा नहीं तो वो तो गरीब होकर, जो मेहनत करेगा वो कहीं नहीं। यहाँ के किसान क्या बोलते गन्ना मिल के? सब किसान खेत मिल में अपना काम कर रहे हैं और क्या, सब मिल पे काम करते हैं, अपना गन्ना ले आ रहे, खेत में काम कर रहे। 24 में प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, विपक्षी पार्टियां कह रही कि हम इस बार उतार के। पहले तो सभी बोलते हैं, फिर देता कौन है? हाँ, मतलब कोई देता नहीं, खाली बोलते हैं। मोदी किसानों के लिए ठीक कर रहा, अपना टाइम पर सब कुछ हो रहा। आठ किसान और अभी जो नागरिकता देने की बात है आपको पता है, तो अभी उस फैसले को किस तरीके देख रहे हैं? देखो क्या होता है वैसे, कुछ पता नहीं। नहीं कुछ पता अच्छा, नहीं मतलब। लेकिन 24 में आपको लगता है बहुमत मिलेगा या फिर राहुल गांधी हावी रहे? ना ना ना, बहुमत बिल्कुल स्पष्ट होकर आऊंगे। स्पष्ट होगा बिल्कुल। तो अभी मोदी लहर है? हाँ पूरी लहर है। मोदी विरोधी लहर है या मोदी लहर? मोदी की लहर है, विरोधी विरोधी कुछ नहीं है मोदी के। तो कहा जा रहा है कि कितने करोड़ किसानों की आबादी अब है जो वोट नहीं देगी मोदी को और इस बहुमत नहीं आएगा, राहुल गांधी हावी हो जाएंगे तीसरी बार सरकार? होने का, सरकार मोदी की आएगी, कुछ नहीं होने का। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी को ही बनाएंगे अब की बार तो। अगली बार अपने योगीनाथ को प्रधानमंत्री बना देंगे। योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? सबसे बेस्ट है। यूपी को तो नेता ही अब मिला। हाँ जी, जब से पहले अखिलेश यादव थे तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं था, मायावती जी थी। अखिलेश यादव बढ़िया आदमी था लेकिन वो दूसरों के पैरों पर चल जाता ना, इसलिए फैल हो गया। किसके पैरों पे चल रहे थे? आजम खान वगैरह वगैरह के, उसमें चलिया नहीं। अखिलेश अच्छा था लेकिन अपने उससे नहीं काम किया उसने। अच्छा। अगर अपने उससे काम करता तो ठीक था। अच्छा, माफियाओं को देखिए, कल मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिल गई है, तो कैसा लगा? ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हम, अब रात बिरात को कैसे बिल्कुल फ्री होकर आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, डर नहीं लगता। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगा बड़ी फेमस है भैया, तो अब क्या स्थिति है यहाँ पर? भाईचारा है, सबको देखो एक जगह बैठे मिलेंगे बिल्कुल। भाईचारा अब खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म, सब खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं अब सुरक्षित है, देखो क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, रात को कैसे निकलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपके एक किसान भड़क गए थे, कह रहे थे कि इस बार नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो कुछ वैसे होते हैं, कुछ बोल जाओ बाकी सब। देखिए, किसान तो कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार आएगी और यहाँ पर एंटी इनकमबेंसी नहीं है, किसान नाराज नहीं है, गन्ने के मूल्य बढ़ाए गए, बिजली माफी की गई, तो कहा जा रहा है? अच्छा सर, तो कहा जा रहा है कि किसानों की बिजली माफी केवल चुनाव की वजह से हुई है? देखो जी भाई, ये तो उनके अंदर कौन जान सके भाई, चुनाव
मतलब 70% लोग जो हैं वो बीजेपी एनडीए को देंगे। जयान चौधरी जी को बताइए सर, अभी जो चौधरी चरण सिंह जी को जो मिला भारत रत्न, तो कहा जा रहा है चुनाव की वजह से मिला है। भाई देखो कैसे भी मिला, वो मिला है बस, हम इस चीज को जानते हैं। कैसे भी मिला, मिला मिला है, उसने हमारी इज्जत रखी बस ये। जाट जाट कितने परसेंट बीजेपी को वोट देने वाले? बीजेपी को बता दिया आपको 70% जाट जाऊंगे। 70% मतलब कोई तो सर ये बताइए आज दिल्ली, चलो ऐसा था 50-50 थे जयंत की तरह 50 मोदी के, लेकिन जयंत को उधर जाने से 70 हो गए। अच्छा जयंत को पहले 50% था, 50% था दर्शकों, और जयंत चौधरी के एनडीए से जाने से हाँ 70 हो गया। 70 हो गया बिल्कुल, उसके जाने से 70 हो गया। हाँ 70 हो गया। तो ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि मोदी योगी केवल धर्म धर्म वाली बातें करके वोट पाते हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं धर्म वगैरह कोई नहीं है, तो हमारा देश में सर सुविधा जो है। बताइए आप कितने साल से किसान है? 30 साल से खेती कर रहे। 30 साल से आपने सरकारें बदलती देखी, कांग्रेस की सरकार देखी है, समाजवादी की देखी है, तो कितना क्या क्या अंतर था, कितना बड़ा फायदा मतलब अभी हुआ और पहले कितना? इतना अंतर है देखो, जब से हमारे यहाँ योगी आए रात को कैसे आओ कोई डर भय नहीं, यानी पहले पता लगता था, रास्ते में पीट भी दिए, ट्रैक्टर भी खोज लिए, अब कुछ भी नहीं निश्चिंत होकर। ट्रैक्टर भी छीन लिए जाते थे? बिल्कुल छीने जी, इतनी गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा। और अब कोई हाथ लगा रहा ट्रैक्टर? नहीं जी कोई मतलब ही नहीं। यही काम करते सर आप? हाँ गन्ना मिल में काम करते हैं जी। सबसे पहले तो बताइए कि अभी अभी 20 से 30 रुपए गन्ना का जो दाम है वो बढ़ाया गया है, सरकार के फैसले से खुश है? हाँ सब खुश है। खुश है तो किसान आंदोलन जो हो रहा था उस पर कहा जा रहा था कि किसान विरोधी है मोदी सरकार, इस बार वोट नहीं जाएगा, तो इस बार आपका वोट किसको? मोदी को। क्यों मोदी को? मोदी सही काम कर रहा। सही बढ़िया। तो ये जो गन्ना मिल है यहाँ कितने का उत्पादन हो जाता है, और योगी सरकार मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कितना फायदा आप लोगों को पहुँचा है? अजी हमें तो फायदा ही फायदा है, जब से मोदी सरकार आई है फायदा फायदा। हाँ हमें कोई नुकसान नहीं है मोदी सरकार से। तो ये बॉर्डर्स पर किसान जो लगातार मांग कर रहे हैं, सब आदमी एक तरह के तो होते नहीं, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई किस तरह का होता है कोई किस तरह का होता है, ठीक है? तो हमें तो कोई नुकसान है नहीं किसी से भी, नुकसान नहीं है। तो 24 में किसको वोट देंगे? मोदी को। अच्छा तो राहुल गांधी अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी गठबंधन का क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होगा, पर हमारी वोट मोदी को जाएगी। मुजफ्फरनगर में अभी अगर बातचीत करें तो कितना दंगा फसाद क्राइम ये सब कम हो गया है इस सरकार के आने के बाद से? अब तक बहुत कम हो रहा, शांति है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम परम सिंह है ना। परम सिंह। अच्छा परम सिंह जी ये भी बताइए कि यहाँ पर जो किसान काम करते हैं मजदूर काम करते हैं अभी उनकी क्या स्थिति है, मतलब वास्तविक पटल पर इस सरकार से पक्ष में रहते हैं विरोध में रहते हैं, क्या मुद्दे हावी रहेंगे वोट देने से पहले? बस ये नहीं कह सकता जी, ये नहीं कह सकते। हाँ आपका वोट मोदी को जाएगा। सर सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? चंद्रवीर। चंद्रवीर जी ये बताइए अभी जो किसानों को लेकर जो आंदोलन तेज हो रहा है, अभी 24 में क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे, और गन्ना मिल में जब हम मौजूद होते हैं तो अभी गन्ना के रेट बढ़ाए गए हैं, तो इस सरकार के फैसले से आप क्या? ये सरकार बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये है जी गन्ने के रेट भी सही है, नो तो जी कोई ना करता हो तो उसके लिए तो ही कुछ नहीं। आज किसान के पास में सबके एसी लगी और सबके पास में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहाँ से आ रही हैं वे? रही किसान ने किसान के लिए क्या नहीं किया, बिल हमारा माफ कर दिया, 6,000 रुपए साल भर में हमें दे रही। राहुल गांधी कहते हैं जुमलेबाजी है, वो तो जुमलेबाजी है। बॉर्डर बॉर्डर पर कौन से किसान हैं? वे भी हम ही है, भाड़े लड़का जा रहा है। अच्छा भाड़े से वहाँ पे बॉर्डर को किया जा रहा है किसानों के लिए तैयार, सब ये ले लेकर बैठ जा। बताओ जी MSP हमारे यहाँ 4 फसलें मुख्य है, 4 रोकी MSP है, हमें क्या चाहिए हमारे, हमें पंजाब वालों से मतलब क्या है? योगी ने बिजली माफी की और कहा नलकूप से आप जितना भी पानी लेंगे कितने दो वो सब फ्री होगा। फ्री है जी? फ्री होगा तो मेरा फ्री है। आपका फ्री है? हाँ जी मैं गया था अभी बिल जमा करने, उन्होंने मना कर दिया कि आपका बिल जमा नहीं होता। देश में नहीं कर सकता कोई, बस क्यों नहीं कर सकता, जंगल में कुछ भी नहीं मिला था, मोदी योगी दोनों की जोड़ी बढ़िया हो रही, बस सबकी सुरक्षा भाग्य राहुल गांधी भाग्य साल में 20 रुपए बढ़ाए, 20 रुपए कुल मोदी ने 20 रुपए बढ़ाए। नो बताओ आप कैमरा लेकर जाओ किसान ने, आज मेरे 100 आदमी जी यार 100 99 मोदी के 1 राहुल का, कोई नहीं पूछ रहा राहुल बाहुल को जी यार ना। आप किसान हैं कह रहे कोई नहीं पूछेगा राहुल गांधी को, राहुल गांधी कह रहे किसानों को, राहुल गांधी कह रहे किसानों जो देश चला सके, और कोई नेता नहीं रहा, आप जा सब करप्शन हो गए, मोदी और योगी बस, और कोई और योगी मोदी और योगी तो किसानों किसानों की जो कर्ज माफी बिल्कुल खुश है,
खुश है किसान, बढ़िया मजे आ रहे हैं किसान के, जंगल में भी सड़क पे भी, सड़क मिल गई बनाने बढ़िया चल रहे। हम 400 लेंगे, 400 पार होगा क्या? हाँ जी 400 लेंगे, ये तो हराएंगे कह रहे हो। ठेठ ठेठ जाट हूँ, हम जिताएंगे मोदी को, यह है मेरी हिमपुर का जो किसान, किसान कह रहे नाराज है, मोदी देंगे, मोदी जिंदा, मोदी जिंदा। देखिए ये यहाँ पर नाराज चल रहे हैं खेती में, जातीय का बस चला सको और मारे। लेकिन लेकिन देखिए कहाँ चले गए, वो कहाँ गए, आइए सुनिए। भाई जयंत भी हो गए, जयंत भी जा लिया तो फिर हम समझते किस बात की। ये तो कह रहे हैं कि हम भैया नाराज हैं मोदी जी से। मैडम जी नहीं बेटी, किसान नाराज है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल किसी बात में नाराज है कि किसान विरोधी मोदी जी, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी जी। पढ़े लिखे मैं अपनी सब बालक दिखाऊँ, सारे सरकारी नौकरियों पर हमारे बालक, बड़ी बड़ी नौकरियों पर मैं बहुत बड़ा वो हूँ। और फिर तो एक बात हो रहा, सबसे बढ़िया राज बहुत बढ़िया चल रहा है, ना बदमाशी, ना किसी की लंबी छेड़नी, ना किसी की, बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ बताओ है कोई आपको टच कर दे यार, पहले क्या था, बहुत बढ़िया काम वो कस का चला जा था, अब बताओ ऐसा है क्या? यहाँ पुलिस फोर्स ही फोर्स रहती है हमारे यहाँ। एक बात हो रही, ये जो गेहूँ बांट रहा है ना, मेरे गेहूँ नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, नहीं कट रहे। MSP पर गारंटी देने की बात सरकार ने की है, उससे खुश है नाराज है क्या? खुश है जी, हम MSP हमारे यहाँ 4% तो बॉर्डर्स पर कौन बैठा है, बॉर्डर्स पर कौन बैठा? ये तो जी पंजाब के किसान है, पंजाब आएगा कहीं। आपका नाम बताइए नाम। मेरा नाम बिट्टू चौधरी है, गांव फीमपुर का है, 60 बीघे का किसान हूँ। किसान है तो किसान तो नाराज है मोदी से, नाराज है किसान, नाराज नाराज वे है जिसे पता नहीं उसके गुणों का, जो उनकी बातों का नहीं पता वो नाराज है। किसान मोदी अच्छा है, अब मोदी रहेगा और हम अद्भुत का मोदी की वोट देंगे अपने गांव की। मैडम जी ये देखिए किसान मील पे, गन्ना मील पे अभी गहमा गहमी हो गई, मोदी वर्सेस राहुल गांधी वर्सेस विपक्षी पार्टियां। ये देखिए गन्ना मील में मुजफ्फरनगर आए हो और यहां का ये नजारा देखिए, ये देखिए यहां पर भैंसों के जरिए ये ले जाया जा रहा है, ये गन्ना है और यही से सप्लाई होता है गन्ना। और यहाँ के किसान कह रहे हैं, अगर मैं बताऊँ कि कितने किसान हैं, तो ज्यादातर किसानों ने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है और पूछेंगे। मैडम जी हमारी एक और च्वाइस है कि वो जो केसेस है किसानों में उसका सबका एक दौरे से है। अच्छा अभी नागरिकता संशोधन लाया गया CA, उसको कैसे वो सही है जी? बिल्कुल जी वो विरोध में मुसलमानों को, यहाँ कोई नहीं है जी, यहाँ नहीं बोलने का। अच्छा मतलब किसान जो है वो नाराज नहीं है? नहीं जी आप लोग बताइए सर क्या नाम है? हरीश शरण नाम है। हरीश जी बताइए 24 में किसकी सरकार? उन्हीं की है बस, और क्या है, मोदी जी की है, मोदी जी की है, मोदी जी की बस। सर आप बताइए 24 में किस कर्मचारी है? आप बोले युवा कर्मचारी है मैं। 24 में किसकी सरकार है? 24 में किसकी सरकार हमारी है और किसकी? तो मुजफ्फरनगर के गन्ना मिलों में दिन रात काम करने वाले किसानों के हालात हमने देखे और मैंने आपसे बातचीत करके दिखाया है कि किसान कह रहे हैं कि पहले 50% किसान जो हैं वो जाट हैं, वो BJP को वोट करते थे और अब जयंत चौधरी के NDA में जाने के कारण अब BJP का जो वोट है वो 70% तक हो जाएगा। मतलब 30% ऐसे किसान होंगे, जाट होंगे, जो BJP को वोट नहीं देंगे। और उनमें से किसान नेता ने कहा किसान जो वोट नहीं देंगे, लेकिन जो गन्ना मिलों की बात की जाए, गन्ना के रेट्स जो कम बढ़ाए गए हैं, इसके साथ जो बिजली माफ़ी की गई उत्तर प्रदेश में, अभी बड़ी सौगात दी गई योगी कैबिनेट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, तो इन सब तमाम मुद्दों से ऐसा लग रहा है कि 24 का चुनाव गजब का इंटरेस्टिंग है भैया। मतलब इतना इंटरेस्टिंग अब चुनाव हो चुका है क्योंकि आप देखिए जितनी सरकार फैसला ले रही है उस पर विपक्ष तुरंत हल्ला बोल कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि हम जो है इस बार कुछ भी करेंगे लेकिन सरकार को रिपीट होने नहीं देंगे। और तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी, ये डिसाइड करेंगे, किसान डिसाइड करेंगे, महिलाएं डिसाइड करेंगी, युवा डिसाइड करेंगे, ये तय करेंगे। तो हमने आपको मुजफ्फरनगर गांव आकर गन्ना मिल के किसानों से भी बातचीत करके दिखाया और तमाम आम जनता की भी राय ली। अब आपके हाथ में है, आप किसको वोट देंगे, ज़रूर राय रखिएगा अपनी। तमाम मुद्दों के बीच किसानों से भी बातचीत करके हमने आपको दिखाया, बहुत शुक्रिया।